हेलो जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। आज का एक टॉपिक है ना, एक बेसिक है, बेसिक जैसे सीनियर सिटीजन फौजी भाई हैं अभी, है ना, काफ़ी फौजी भाई सीनियर सिटीजन हैं और मोबाइल पर सबके पास है, मोबाइल स्मार्टफोन सबके पास है और सारे जिनके पास स्मार्टफोन है सब व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेज देते हैं अपने रिश्तेदारों को। इतना तो सब जानते हैं, 90% सब जानते हैं फोटो खींच के अपने भेजने के लिए, भेजना सब जानते हैं। तो ये लगभग उतना ही काम है एक अपना, ये लिखा है ना, अपने मोबाइल से अपने लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस, लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श में पहुंच गया या नहीं, तो ये भी उतना ही काम है फोटो खींचने जितना ही व्हाट्सएप पे। बस शर्त है, बस थोड़ा सा वो करने की जरूरत है, एक दो प्रैक्टिस, है ना। तो मैं कोशिश करूंगा ये इसकी एक प्रैक्टिस भी करके दूंगा, पीछे हट के मैं मोबाइल से ऐसे करा दूंगा। लेकिन मैं मोटा मोटा ये बताता हूँ, देखो इस स्पर्श में को हमें ऐसे ही सोचना पड़ेगा भी, हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना है तो हर साल हमें तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि नहीं हमारा लाइफ सर्टिफिकेट पहुंचा या नहीं। तो उसमें जितनी हम फोटो खींच के भेजते हैं ना किसी को, अपने रिश्तेदार को, उतना ही काम है बस, वो अपनी आदत में शामिल करना है। उसका सबसे बड़ा तरीका है, जो चीज़ नहीं पूछती, आपके पास बच्चे हैं, आपके पोते पोतियाँ हैं, बहन भाई है ना, तो उससे भी थोड़ी सी मदद ले सकते हो। तो उसमें क्या है, मैं आपको बताता हूँ, व्हाट्सएप की शुरू करते हैं। जैसे भी व्हाट्सएप की एप्लीकेशन होती है ना, जैसे ग्रीन सा उसका आइकन होता है, ऐसे इसका मिलेगा आपको, आपके इंटरफेस स्क्रीन पे मिलेगा ऐसे इसका स्पर्श का एप्लीकेशन, है ना। तो ये इसको मैं दो हिस्सों में कर देता हूँ। पहला हिस्सा तो बिल्कुल आसान है, वो पहला हिस्सा अपने किसी बच्चे को बोलना, अगर नहीं आपको आता आप प्ले स्टोर में जाके उसको बोलना एक स्पर्श की एप्लीकेशन डाउनलोड कर दे, बस ओपन कर देगा वो, फिर ओपन होके आपके स्क्रीन पे आ जाएगी मोबाइल पे, जैसे व्हाट्सएप की आई हुई है ऐसे आ जाएगी बस। आगे फिर जैसे फोटो व्हाट्सएप से खींचते हैं ना, ओके करके ऐसे ही सारा कुछ हो जाएगा। बस आपने ये कराना है कि अगर आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है ना, एप्लीकेशन स्पर्श एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, तो सिंपल सा तरीका है वो, तो वो भी मैं कभी अगर ये ठीक लगा तो मैं वो भी सिखा दूंगा। बस वो अलग पार्ट है, जब आपकी एप्लीकेशन स्पर्श की आपके स्क्रीन पे आ गई मोबाइल पे, जैसे व्हाट्सएप की आई वहां तक वो अलग है। लेकिन अभी समझो आपके स्क्रीन पे व्हाट्सएप टाइप एप्लीकेशन स्पर्श की आ गई है, अभी शुरू करते हैं। तो जैसे उसको हम व्हाट्सएप को दिखाते हैं ना ऐसे हमने उसको क्लिक करना है, इसको ऐसे, है ना। तो ये इसको की एप्लीकेशन को स्पर्श वाले आइकन पे ऐसे, जैसे व्हाट्सएप का आइकन उसको ऐसे कर दिया स्पर्श वाले को ऐसे, तो ये खुलेगा ना। तो इधर उस कोने पे आप इधर देखोगे तीन ऐसी डॉट होगी, डॉट आएंगे उस कोने पे, उस इंटरफेस जो आएगा ना उसके इधर तीन डॉट, फिर इसको ऐसे मार देना, ठीक है। फिर स्पर्श उसके जो खुलेगा ना, वो उसमें लिखा होगा 6 सीरियल है, उसमें लिखा होगा स्पर्श वेबसाइट, ठीक है। आप क्या करना, फिर स्पर्श वेबसाइट को ऐसे मार देना, है ना। फिर आपके पास एक छोटा सा पॉपअप आएगा, उसमें एक ना छोटा सा पैरा सा आएगा, छोटा सा जल्दी से आएगा, उसमें लिखा होगा क्लिक हियर, ओके को क्लिक नहीं करना। ओके को क्लिक करोगे तो और भी डॉक्यूमेंट वगैरह आप देख सकते हो, वो खुल जाएगा, लेकिन वो चलो बाद की बात है। लेकिन आप इसको क्लिक करना, क्योंकि भी आपने सिर्फ स्टेटस देखना अपना और थोड़ी सी चीजें देखनी अपनी, है ना, आधार कार्ड नंबर ये वो सारा। तो वो फिर आपने इसको क्लिक कर देना, ठीक है, पॉपअप को जो बताया ना उसमें क्लिक कर देना, फिर ये आएगा अपने जीत पहुंच के बस। अभी यूनिक आइडेंटिफायर आ गया, ये यूनिक होता है, मतलब बड़ा एक तो आपको तरीका दे रहे हैं। यूनिक आइडेंटिफायर से मारो तो 4 ऑप्शन खुलेंगे, उसके जो बार होती है ना लाइन, जिसको बोलते हैं लाइन, उसके अंदर ऐसा है, उसको उसको मारना ऐसे, ठीक है। मैं बारीकी में थोड़ा पढ़ाता हूँ, ऐसे मारते ना तो वो 4 लाइनें खुल जाएंगे ऐसे, 1 2 3, उसमें लिखा होगा एक भर दो, चाहे खाता नंबर भर दो, चाहे ईपीपीओ का नंबर भर दो, स्पर्श का भर दो, ये भर दो, है ना, 4 चीजें लिखी होंगी। तो आप खाते को चुन लेना, जो आपको अच्छा लगता है चुनना, नहीं खाते को चुन लो तो ठीक है, तो खाता चुन लिया आपने, ठीक है। अभी आपने यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, कीबोर्ड चलाना आता होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कीबोर्ड से आपने उसके अंदर उस लाइन को, जो लाइन होती है ना, जैसे अपनी लाइन खींचती है, ये लाइन है, इसके अंदर छोड़ना होता है ऐसे, कीबोर्ड के लिए, कीबोर्ड चलाने के लिए ना, जहां भी कुछ लिखना है अंग्रेजी में या अक्षर लिखने हैं 1 2 3 4, उसको अंदर ऐसे छूना होता है ऐसे,
तो कीबोर्ड नीचे आ जाता है ना, अंग्रेजी लिखनी अंग्रेजी लिख लो, एबीसी का कुछ लिखना है तो अगर आपने फिगर लिखना ऊपर लिख लो एक दो तीन ऐसे आया हुआ है, एक दो तीन चार पांच ऐसे आते हैं, लेकिन इसके अंदर भी नहीं करना है, जब भी कुछ लिखना है इसके अंदर ऐसे ये याद रखना, नीचे भी कीबोर्ड खुल जाता है उसमें दोनों कुछ भी लिख लो, है कि नहीं बात। तो वो मैं बताऊंगा अभी, है ना, वो उसमें ऐसे क्लिक करता कीबोर्ड आ जाएगा तो आप उसका बैंक का नंबर खाता नंबर इसमें डाल देना, ठीक है, राइट अकाउंट नंबर हो गया बस। तो उसके बाद वो नीचे उसके फिर सर्च आया हुआ है, ऐसे सर्च मार दो तो ये आपकी डिटेल खुल जाएगी, इसमें फिर वो लिखा हुआ है आपका पैन कार्ड नंबर, आपका नंबर, आपका नाम, आपका आधार कार्ड नंबर, आपका ऐसी सारी चीजें उसमें लिखी हैं, 8-10 चीजें ना, उसमें लिखा हुआ है कि आपका ये जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो आप पहुंच गया है और ये वैलिड है, मान के चलो जैसे मेरा वैलिड है 28 फरवरी 2024 तक, है ना, उसमें आ गया है। तो मैंने भी आज ये अपने खोज कर रहा था तो मैंने सोचा ये मुझे भी अपना चेक करने की जरूरत पड़ी, तो मैंने सोचा ये सबको पड़ती होगी, फिर मैंने ये आज सोचा ये मैं बनाता हूँ। तो ये चीज़ है, तो अभी मैं थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल कर बताता हूँ, पीछे हटके फोन आगे करता हूँ जो हो सकता है, मेरे पास बंदोबस्त नहीं है, और दूसरे जो है ना होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं ना अपने यूट्यूबर, उनके पास तो होता है ना सारा कुछ, मेरे पास वो नहीं है। तो मैं जो समझ लो सेवा भाव के लिए काम करता हूँ ना, तो जैसे अभी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ पीछे हटके, है ना, इधर से आगे फोन करके, जैसे अभी ये है ना, अभी इसको देख ये है, ये तो आप देख ही रहे हो आपके स्क्रीन पे, जैसे ऐसे ऊपर उठाते हैं आइकन को आगे ना, आइकन ये सारे आइकन आ रहे हैं ना, तो ये जो इसके में देखो ये मैंने डाउनलोड किया, ये वाला आइकन ये व्हाट्सएप का है और ये आइकन है इसका स्पर्श का, तो मैंने खोल दिया ये ऐसे, जैसे व्हाट्सएप खुलता खुल गया ना अभी, तो ये खुल गया जो ओपन स्पर्श मैंने लिखा है, तो लिखा ना ओपन स्पर्श तो खुल गया, अभी थ्री डॉट, अभी क्लिक थ्री डॉट, ये वाली थ्री डॉट है देखो ये वाली, ओ देखो ऊपर ये वाली थ्री डॉट पे मैंने मार दिया, ये खुल गया भाई जिसमें बोला था 6-7 सीरियल आएंगे, इसमें लिखा हुआ है देखो तीसरे नंबर पे स्पर्श वेबसाइट, ये लिखा हुआ स्पर्श वेबसाइट, ठीक है, ये स्पर्श वेबसाइट पे ऊपर मैंने मार दिया, ठीक है, तो ये स्पर्श वेबसाइट खुलेगी अभी, ये खुल गई देखो, तो स्पर्श वेबसाइट खुलने के ऊपर ये आ गया ना जो पॉपअप बोला पॉपअप क्लिक हेयर, तो ये नीला सा क्लिक हेयर इसको क्लिक करना है, ठीक है, इसको क्लिक कर देना है, क्लिक हो गया, तो अभी आप थोड़ा ऊपर उठा लो ये वाला, बस इतना ही काम करना, ऊपर उठा लो, ऊपर उठाने के बाद देखो ये वाला एक लिखा हुआ ना जैसे वो फोर ऑप्शन के पास एक छोटा सा ये है बिंदु, इसको मार दो, ये चार ऑप्शन आ गए, देखो ये चार ऑप्शन आ गए, इसमें मान लो अकाउंट नंबर भरना है आपने, बैंक अकाउंट नंबर मैंने सेलेक्ट करना है एक चारों में से, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो अभी मैंने ये कर लिया ना सेलेक्ट, ये आ गया, ये दो बार आ गई हैं, दो बार दो लाइनें आ गई हैं, तो इसमें इसने लिखा बैंक अकाउंट नंबर लिखना है, तो बैंक अकाउंट का नंबर मैंने सेलेक्ट किया, तो मैंने इसमें कुछ नहीं लिखना, इसमें लिखना है, तो उंगल इसको उंगल लगा दिया, आ गया कि नहीं ये वाला कीबोर्ड अपने आप आ गया। अभी ये अंग्रेजी लिखने के लिए बोलता है, अंग्रेजी मैंने लिखनी नहीं, तो जब मैंने अंग्रेजी नहीं लिखनी तो फिर ये जो कोने पे लिखा है जहाँ 128 लिखा हुआ है तो मैंने इसको दबाना है, मैंने हिंदी लिखना है ना, तो इसमें मैंने ये लिखना है अपना क्या बोलते हैं बैंक खाता नंबर, तो मेरा बैंक नंबर 650 है ना जैसे ऊपर आ गया एकदम, तो मैंने इसको उंगल लगा दी टेप कर दिया तो ये अपने आप इसके अंदर घुस गया, ठीक है। अभी मैंने क्या करना है इसको हटा देना है पीछे, या फिर ऐसे कर लो ऊपर कर लो ऐसे करके, इस आ गया सर्च, तो मैंने क्या किया सर्च को दबा दिया, ठीक है, सर्च को दबाया तो ये देखो अभी नीचे ना ये आ गई मेरी डिटेल सारी, ये वाला देख लो अभी आ गई ना डिटेल सारी, ये आया हुआ स्पर्श का, ये आइडेंटिफिकेशन ड्यू ऑन 29 फरवरी 2024 ये लिखा हुआ ना, इसका मतलब मेरा जो वो पहुँच गया है उनके पास, है ना। अच्छा और डिटेल भी पढ़ लो, यहाँ से शुरू कर लो, ये लिखा हुआ है मेरा ओरिजिनल पीपीओ नंबर ये है, मेरा नाम जसवीर सिंह है और मेरा पीपीओ नंबर ये है, मेरा ये रेजिमेंट नंबर जेसी नंबर ये है, आधार कार्ड मेरा ये है और पैन कार्ड नंबर मेरा ये है, मोबाइल नंबर ये है, बैंक अकाउंट नंबर ये है और ये आइडेंटिफिकेशन जो पहुंचा ड्यू ऑन अभी नेक्स्ट ड्यू मेरे को 24 फरवरी को होगा, इसका मतलब इस साल का मिल गया, तो ये आ गया माइग्रेटेड मैं हुआ इसमें 23 अगस्त 2022 को, तो ये आ गया, ठीक है ना, तो ये आ गया, ये डिटेल है इतना, ये उतना ही काम है जितना हम फोटो भेजते हैं। तो मैंने अभी इसको देख लिया तो मैंने बंद कर देता हूँ, मैं ये बंद कर दिया, ठीक है, तो ये बंद हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है आज का, ये थोड़ा सा काम है, अगर थोड़ा सा क्योंकि हम थोड़ा सीनियर सिटीजन मान लो 64-65 साल की 64 साल की मेरी भी एज है, थोड़ा मुश्किल तो लगता है लेकिन मैं थोड़ा पहले से काम कर रहा हूँ, तो
ये काम कुछ भी नहीं है, पर मैं वही बोला जो व्हाट्सएप जितना ही काम है, फोटो भेज इतना। तो ये देख लो कि हर साल आपको जरूरत पड़ेगी। देखो फिर अगर इसको समझ गए ना, उसी में बस करना है, जहाँ पर आपने क्लिक किया था उसके नीचे ओके मार दो, सारे डॉक्यूमेंट और डिटेल में मिल जाएंगे आपको वहीं पे। बस अभी तो क्लिक को किया था ना पॉप अप पे, फिर उसके नीचे ओके को मार देंगे तो आपके आगे ही वाले वो भी चीजें खुल जाएंगी, वो बाद में सिखा देंगे आपको। तो फिलहाल ये वाला मेरा आज का टॉपिक था, तो देखते हैं अभी। ये बंदोबस्त कम था, फिर भी मैंने कोशिश की सिखाने की। जय हिंद।